हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल प्रॉपर्टी प्लाजा से। अभी जो प्रॉपर्टी मैं आपको शो कर रहा हूँ ये 2 BHK का फ्लैट है। और इस प्रॉपर्टी की ख़ास बात ये है कि 840 यानी 840 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। ये लिविंग डाइनिंग है और इसमें बालकनी बहुत ही अच्छा बड़ा बड़ा बालकनी दिया हुआ है। और यहाँ से व्यू आप देखें तो आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सनसेट का व्यू मिल रहा है। और प्रोजेक्ट का नाम है आना अवंत गार्ड प्रोजेक्ट का नाम है। और टाटा रियल्टी यानी टाटा का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है। 22 माले का टावर है ये, 22 स्टोरी टावर है। ये मैं विंडो के साइड से आपको ये इसका डाइनिंग का जगह दिया हुआ है। कुछ एडवांटेज इसमें है, इस फ्लैट में 840 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया है तो आपको समझ में आएगा। आगे आगे मैं दिखाता हूँ आपको। दो साइड में लिफ्ट है, इसका प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म। स्टार्ट में ही इसका फ्रिज का स्पेस है, साथ ही साथ बाहर आपको वॉशिंग मशीन के लिए जो एरिया है ना, बहुत बड़ा अच्छा एरिया दिया हुआ है यहाँ पर। बिल्डिंग की OC आ चुकी है, BMC वाटर इसमें आ चुका है, तो टाइटल बिल्कुल क्लियर है जिस फ्लैट का मैं आपको वीडियो निकाल के दे रहा हूँ। इसमें एक दो फ्लैट है तो क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तभी मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ। साथ ही साथ बेडरूम में एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है यूटिलिटी के लिए, वो इसमें एक ख़ास चीज़ें दिया हुआ है। सारे ब्रांडेड एसेसरीज है कूलर का। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन बेडरूम में। ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम भी आप देखें तो मास्टर बेडरूम के बराबर का स्पेस दिया हुआ है। ये इसका बालकनी है। काफ़ी बढ़िया ओपन व्यू है इसका। ये मैंने कॉमन बेडरूम आपको दिखाया, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। यहाँ से आप मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं और यहाँ पे आपको बेसिन लगा हुआ नहीं है। जब ये फ्लैट आपको फिनिश करके देंगे तो सब कुछ लगा के रेडी करके देंगे आपको। ये इसका स्पेस है वॉशरूम का। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम का स्पेस दिखाता हूँ, क्योंकि बेडरूम 840 यानी 840 स्क्वायर फुट यूजेबल कारपेट है, तो आप एक ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ्लैट होगा ये। ये बेडरूम है और ये इसका एक यूटिलाइज करने के लिए अलग से यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ पिजन का गंदगी है, लेकिन ये समझ सकते हैं आपकी यहाँ पे जब आपका पिजन नेट लग जाएगा तो ये पूरा का पूरा जगह आपको यूटिलाइज करने को मिलता है। काफ़ी बड़ा जगह हुआ दिया हुआ है ये। यूजेबल कारपेट में सब कुछ आ जाता है, बालकनी वगैरह सब। बेडरूम की विड्थ और लेंथ बहुत अच्छी दी हुई है। और जनरली आज के फ्लैट्स में बालकनी देखने को नहीं मिलता है। इसमें बालकनी देखें तो काफ़ी अच्छा बड़ा बड़ा बालकनी दिया हुआ है और व्यू तो कमाल का है ही। इसमें बैक साइड जो नेशनल पार्क फेसिंग फ्लैट भी है और ये हाईवे फेसिंग फ्लैट भी है। आना अवंत गार्ड, ये इसका वार्डरोब का एरिया है, कबर्ड का एरिया है। और अभी मैं आपको बीच का पैसेज दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका पैसेज है जिसमें दो हाई स्पीड लिफ्ट और दो स्टेयरकेस दिया हुआ है। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आपको गार्बेज सूट दिया हुआ है कि अगर आपको डस्ट, जो आपके घर का गार्बेज होता है,
उसको आपको डंप करने के लिए नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक फ्लोर से अपने गार्बेज को डंप कर सकते हैं। हर एक फ्लोर पे गार्बेज छूट दिया हुआ है इसका। और सर्वेंट के लिए वॉशरूम भी हर एक फ्लोर पे दिया हुआ है। तो ये इसकी ख़ास बात है, जो आप इसी मिरर के बहुत कम प्रोजेक्ट में इस तरह का ऑप्शंस दिया हुआ है। बाकी मैं दिखाता हूँ और दूसरे। ये एंट्रेंस लॉबी है अनावंत गार्ड का, और इसमें हमारे पास 2 BHK 595 स्क्वायर फुट भी है, 650 स्क्वायर फुट यूजेबल कारपेट एरिया है, और 3 BHK भी है इसमें हमारे पास 1040 स्क्वायर फुट का। तो ये जो मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ इसमें कि 2 BHK जो 650 एंड 595 है उसका प्राइस 90 एंड 95 लाख के बीच में 2-3 फ्लैट है। ये सब अर्जेंट सेल के लिए आया हुआ है, तो इसके लिए मैं इसका वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि ये प्राइस में देखें तो प्रॉपर्टी मिरौड में अवेलेबल नहीं है। OC के साथ वो BMC वाटर रिसीव्ड हो चुका है सब टाइटल क्लियर के साथ, तो ये एक अपने पास अच्छा ऑप्शन है। और कुछ डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप वहाँ से हमारा नंबर लें, फ़ोन करें ख़रीदने के लिए भी, डिटेल भी जानने के लिए। मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी परचेस करवाने के लिए। ये अनावंत गार्ड का बेसमेंट पार्किंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें तो इसमें बेसमेंट लेवल जो कार पार्किंग है, यहाँ पे आपका ये एरिया पूरा कवर किया है इन्होंने। काफ़ी बड़ा बेसमेंट पार्किंग दिया है, क्योंकि बेसमेंट पार्किंग का एक बेनिफिट ये है कि गाड़ियाँ बहुत सेफ रहती है यहाँ पे। बहुत ही उत्तम व्यवस्था किया है इन्होंने। ये इसका बाइक पार्किंग एरिया और ओपन स्पेस है सामने, ये देख सकते हैं आप, और बिल्डिंग का एलिवेशन पूरा रेडी है। बहुत ही ओपननेस देखें तो कुछ यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हुआ है। और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें जैन मंदिर भी इन फ्यूचर देने वाले हैं, और हाईवे से टच है ये, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। ये अनावंत गार्ड का रूफ टॉप एमिनिटीज़ है, ग्रीनरी एरिया, सिटिंग एरिया इन्होंने कुछ ब्यूटीफुल तरीके से दिया हुआ है। आप देखें तो टॉप फ्लोर का एमिनिटीज़ है ये, यहाँ से व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत मिलता है हाईवे का और नेशनल पार्क का। बैक साइड का जो फ्लैट है ना, वहाँ से आपको नेशनल पार्क का व्यू मिलता है। अभी मैं आपको दूसरे साइड का सिटिंग एरिया वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ से आपको चारों साइड का सनसेट और सनराइज़ का व्यू देखें तो, ये भी सिटिंग एरिया, ग्रीनरी एरिया इन्होंने डेवलप किया हुआ, आर्टिफिशियल ग्रीनरी एरिया है ये। और यहाँ से आपको पूरे मीरा रोड का व्यू मिलता है।